आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज रामचरितमानस के एक छंद के विषय में चर्चा करते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहा है, बहु दाम सवारहिं धाम जति, विषय या हरि लीन नरहिं विरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। अर्थात कल काल में लीला तो बड़ी विचित्र होगी, इसमें सन्यासी लोग तो बहुत सारा धन लगाकर घर एवं आश्रमों को सजाएंगे, उनमें वैराग्य की भावना लेश मात्र भी नहीं होगी और उन्हें सांसारिक विषय विकार घिरे रहेंगे। कलिकाल में तपस्वी कहे जाने वाले अधिकांश संत महात्मा अत्यंत धनवान हो जाएंगे और गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले प्रायः दरिद्र ही रहेंगे। महात्मा तुलसीदास जी ने उपरोक्त छंद में गागर में सागर भर दिया है, तो आइए इस छंद को मध्य में रखकर सनातन धर्म में सन्यास और गृहस्थ जीवन के विषय में क्या व्याख्या की गई है उसका विश्लेषण करते हैं। प्रायः यह बात हम सब जानते हैं कि भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के जीवों की उत्पत्ति करने का भार सौंपा था, तदोपरांत उस सृष्टि रचना के कार्य को मूर्ति रूप देने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को संकल्प के द्वारा उत्पन्न किया था। वे थे मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। इनमें से नारद जी ने संन्यास धारण किया तथा शेष 9 ने गृहस्थ जीवन अपनाया। इसके पश्चात गृहस्थ और संन्यास धारण करने वालों की मर्यादाओं एवं जीवन शैली का निर्धारण किया गया। गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं को तो हम यद्यपि भली भांति जानते एवं समझते हैं, तथापि प्रत्येक गृहस्थ स्त्री एवं पुरुष को गृहस्थ आश्रम के सफल संचालन के लिए जीवन में कम से कम एक बार रामचरितमानस जो अर्थ सहित हो का अवश्य गहन अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तक संन्यास धारण करने का प्रश्न है, प्रथम तो यह ब्रह्मा जी द्वारा रचित एवं संचालित सृष्टि के सिद्धांतों के विपरीत है, किंतु यदि संन्यास धारण कर भी लिया तो ब्रह्मा जी द्वारा रचित मानस पुत्रों क्रमशः सनक, सनंदन, सनातन, विभु, सनत कुमार और नारद जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उपरोक्त संन्यास धारण की पहली अनिवार्यता है कि उन्हें स्थाई आश्रम का निर्माण कर उसका संचालन नहीं करना चाहिए, किंतु इसके विपरीत वर्तमान में हो क्या रहा है, कुछ आश्रमों की तुलना तो 3-स्टार एवं 5-स्टार होटलों से कमतर नहीं है। कुछ महात्माओं को तो कुछ सरकारों ने मंत्री स्तर का दर्जा देकर सुख सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, कुछ की सुरक्षा में भिन्न भिन्न श्रेणी की कमांडो फोर्स लगी है, आम नागरिक तो उनके पास जा ही नहीं सकता। अब इस सब का विश्लेषण तो आपको स्वयं करना है कि कहीं आप महात्माओं के बाह्य आकर्षण से तो आकर्षित नहीं हो रहे हैं। शिवा मिशन न्यास का काम तो धर्म प्राण जनता को दर्पण दिखाना है। चलिए इस बिंदु को यहीं आपके ऊपर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस बात पर विचार करते हैं कि क्या गृहस्थ को किसी सन्यासी संत से गुरु दीक्षा लेना उचित होगा अथवा नहीं। हमारे और आपके लगभग सभी देवी देवता जिन्हें हम अपना इष्ट देव मानकर पूजा आराधना करते हैं गृहस्थ हैं, उनके सभी गुरु भी गृहस्थ हैं, यहाँ तक कि देवताओं और दानवों के गुरु भी गृहस्थ ही हैं। तब यहाँ एक यक्ष प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थ को सन्यासी गुरु बनाना चाहिए अथवा नहीं, और यदि गृहस्थ सन्यासी से गुरु दीक्षा देने का अनुरोध करता है तो क्या सन्यासी गुरु को गृहस्थ को दीक्षा देना चाहिए। यह विषय निश्चित रूप से शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद का विषय हो सकता है, इसलिए इस यक्ष प्रश्न को भी यहाँ अनुत्तरित छोड़ देते हैं। किंतु यहाँ इतना तो अवश्य जानना चाहिए कि एक सन्यासी संत का जीवन कैसा होना चाहिए। इसका उदाहरण आप दिगंबर जैन मुनियों की दिनचर्या को देखकर समझ सकते हैं। सन्यास धारण का सीधा और सरल अर्थ है
उन्हें नॉन तेल लकड़ी के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। शिवा मिशन न्यास के मतानुसार गृहस्थों को सन्यासी संतों के केवल दर्शन एवं प्रवचन से पुण्य लाभ लेना चाहिए। गृहस्थ को गुरु दीक्षा गृहस्थ संत से और सन्यासी को सन्यासी संत से गुरु दीक्षा लेना चाहिए। जिस प्रकार नागा साधु केवल सन्यास धारण करने वालों को ही दीक्षा देते हैं, किसी गृहस्थ को नहीं। चलिए, इस पर विचार करने एवं निर्णय लेने का अधिकार भी आपको ही सौंपते हैं, किंतु यदि आप इस मत भिन्नता में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वर्तमान गुरु के साथ साथ आदि गुरु भगवान शिव जी को केवल मात्र संकल्प लेकर अपना गुरु बना लें। इससे आपका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि आप इस वीडियो में दिए गए संदर्भ और प्रसंगों से सहमत हैं तो कृपया शिवा मिशन न्यास के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए ओम नमः शिवाय।